आज की इस वीडियो में दोस्तों हम यह जानेंगे कि अनार के पौधे पर ज़्यादा फल कैसे पाएं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आरके गार्डनिंग यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त राजेंद्र। मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे फर्टिलाइज़र शेयर करूंगा जिससे आप अपने अनार के पौधे से ज़्यादा फल ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये देखिए दोस्तों, आप जो अनार का पौधा देख रहे हैं, इस पौधे पर फल और फूल दोनों ही लगे हुए हैं। हमारे इस छोटे से पौधे पर इतनी जल्दी फल आ गए, ये हुआ कैसे ये भी हम आपको बताएंगे। और यदि दोस्तों आपने अपने घर पर अनार के पौधे लगाए हुए हैं गमलों में, चाहे आपने ज़मीन पर लगाए हों, तो आपके पौधों पर फल नहीं आ रहे हैं, तो आप उस पर क्या करें ताकि आप अपने पौधे से ज़्यादा फल ले पाएँ। तो दोस्तों आपको ये काम करना है, अपने पौधे पर जब पौधे पर फल ना आए तो आपको यह काम करना है, उसका पानी कम कर देना है। पूरी तरह से पानी बंद नहीं करना है, क्योंकि इसमें थोड़ी नमी भी चाहिए पौधे को जीवित रहने के लिए। सबसे पहला काम आपको यही करना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है अपने अनार के पौधे पर, कि आप अपने पौधे की एक बार पुनः गुड़ाई कीजिएगा। करीबन यदि अपने गमलों में अनार का पौधा लगाया हुआ है तो आप करीबन एक इंच गहरी आप अनार के पौधे की गुड़ाई कर उसे दो दिन के लिए ऐसे ही छोड़ दें। तो दोस्तों हमने भी ऐसा ही किया है कि इस अनार के पौधे की गुड़ाई कर दी है और दो दिन से ऊपर हो चुके हैं। तो अब दोस्तों इस पौधे में हम कुछ फर्टिलाइज़र भी डालेंगे। यह प्रक्रिया हम एक बार पुनः अपने पौधे पर कर चुके हैं और उसका अपडेट भी हमें मिला है, इसलिए ही हमारे अनार के पौधे पर फल आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमने इस अनार के पौधे की एक बार पहले गुड़ाई कर ली है और कुछ मिट्टी आपको, यानी कि सॉइल मीडिया आपको इस तरह की कुछ नज़र आएगी। तो ये देखिए दोस्तों, आप जो सामने देख रहे हैं, यहाँ पर हमने ये गोबर की खाद ली हुई है जो कि फुली डीकम्पोस्ट है। आप इसकी जगह बर्मी कंपोस्ट भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ये 200 ग्राम लिया हुआ है इस अनार के पौधे के लिए। अब जो दूसरी चीज़ जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने जो कि मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र है, ये जो कि सरसों की खली में से बनता है, यानी कि इसमें से ऑयल निकाल लिया जाता है, उसमें से जो खल बचती है इसे हम मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र बोलते हैं। तो दोस्तों ये हमने दो चीज़ ले ली हैं। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो भी हम आपको बता ही देते हैं। आप जो मेरे हाथ में देख रहे हैं, यहाँ पर हमने DAP ली हुई है। इससे हमारे पौधे की ग्रोथ तेज़ी से बढ़ने लगेगी और हमारे पौधे पर फल फूल दोनों ही ज़्यादा आने लगेंगे। तो दोस्तों हमें ये इस तरह से खाद में मिक्स कर लेनी है। कर लेने के बाद में हम अपने अनार के पौधे में इसे डाल देंगे जो कि गुड़ाई करके आपको डालना है। मैंने इस पौधे की दो दिन पहले गुड़ाई की हुई थी, तो इसमें मैंने पूरी तरह से इस पौधे में ये खाद डाल दिया है। आपको यही सेम प्रक्रिया आपको अपने पौधे पर ये करनी है। ये तो मैंने दोस्तों कर दिया। अब यहाँ पर हमने 200 ग्राम से अधिक पानी लिया हुआ है। पानी लेने के बाद में अब जो हमारा मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र था, इसमें से हम 2 चम्मच इस पानी के अंदर डालेंगे। केवल आपको 2 चम्मच डालनी है, अधिक नहीं डालना है। देखिए 2 चम्मच दोस्तों हमने यहाँ पर पूरी तरह से इस पानी के अंदर डाल दिया है और इसे अच्छे से घोल दिया है। अब इसे हम अपने अनार के पौधे में डालेंगे, तो इससे जो हमारे अनार के पौधे पर जो ग्रोथ आएगी और फल फूल, आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि इतने पौधे पर फल कैसे आ गए। तो दोस्तों यही प्रक्रिया आपको सेम 15 दिन बाद आपको करनी है। तो आप पूरी तरह से साल भर आप वो अपने अनार के पौधे से फल ले पाएंगे। जितनी भी फसल होती है अनार की, पूरी तरह से आप उनका लाभ उठा सकेंगे। तो दोस्तों इसी तरह से आपने यह प्रक्रिया कर ली अपने पौधे पर, तो आपको फल और फूलों की बिल्कुल कमी नहीं रहेगी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे हमारा पुनः अनुरोध है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें हमसे जुड़ने के लिए। और यदि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल पाए। तो अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।